नमस्कार दोस्तों, आज और फिर एक क्लेरिफिकेशन लेकर आया हूँ रेलवे बोर्ड का। जो रेलवे बोर्ड ने 13 मई 2024 को निकाला है, जो कि चीफ लोको इंस्पेक्टर CLI के फिक्सेशन के कनेक्शन में है। सब्जेक्ट में बताया, फिक्सेशन ऑफ पे ऑफ रनिंग स्टाफ ऑन प्रमोशन टू जनरल पोस्ट केस ऑफ चीफ लोको इंस्पेक्टर क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग। इसके ऊपर रेलवे बोर्ड ने क्लेरिफिकेशन बताया अभी 13-5 को। क्या है कहानी में जरा बता देता हूँ। जनरली कोई भी रनिंग स्टाफ जो होता है वो स्टेशनरी पोस्ट पे काम करता है, या उसका स्टेशनरी पोस्ट पे प्रमोशन हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है। जैसे वेलफेयर इंस्पेक्टर है, या ZRTI में इंस्पेक्टर की पोस्ट पे जाते हैं, या गजेटेड में ऑफिसर बन जाते हैं। तो एक रूल है कि उनको 30% पे एलिमेंट जोड़ के, जो भी पे होता है उसका 30% पे एलिमेंट जोड़ के पे फिक्सेशन किया जाता है। लेकिन रिसेंटली रेलवे बोर्ड ने एक लेटर निकाला था 2023 में, RB नंबर 34/23, जिसमें कहा गया था फिक्सेशन ऑफ पे ऑफ रनिंग स्टाफ ऑन प्रमोशन टू जनरल पोस्ट क्लेरिफिकेशन। इसमें रेलवे बोर्ड ने, जैसे कई लोग RRB में भी जाते हैं रनिंग स्टाफ, और GDC भी जाते हैं के थ्रू सिलेक्शन होते हैं, दूसरी पोस्ट पे जाते हैं। तो यहाँ रेलवे बोर्ड ने, मैं लेटर नहीं पढ़ रहा, बस ब्रीफ बता रहा हूँ कि इसमें रेलवे बोर्ड ने कहा है कि अब से कोई भी जो रनिंग स्टाफ होगा वो जनरल सिलेक्शन के थ्रू कहीं प्रमोशन होगा। जनरल सिलेक्शन रेलवे में भी डिपार्टमेंटल एग्जाम है, जैसे वेलफेयर इंस्पेक्टर है। जनरल सिलेक्शन की डेफिनेशन बता दूं, जहां किसी पोस्ट के लिए सभी डिपार्टमेंट के लोगों को एप्लीकेशन कॉल की जाती है, यानी एप्लीकेशन मंगाई जाती है। सेम ABC में जो सेम ही डिपार्टमेंट के लोग बुलाते हैं तो वो तो LDC होता है, लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी होती है जिसको जनरल सिलेक्शन डिक्लेयर किया है, जहां सभी डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाया जाता है, इनवाइट की जाती है एप्लीकेशन की, आप आइए सिलेक्शन में पार्टिसिपेट कीजिए और सिलेक्ट हुई। तो वो जनरल सिलेक्शन में रेलवे बोर्ड ने कहा है कि चूंकि रनिंग स्टाफ को मालूम है जनरल सिलेक्शन पोस्ट है, आगे तो ABC मालूम है, तो इसमें कोई भी रनिंग स्टाफ अगर अप्लाई करेगा और जनरल सिलेक्शन के थ्रू सेलेक्ट होता है, तो उसको 30% पे एलिमेंट नहीं जुड़ेगा पे फिक्सेशन में, और बिना पे एलिमेंट जुड़े ही उसका फिक्सेशन होगा। रेलवे बोर्ड ने 2034 में ये चीज निकाली, 34/2023, देखो ये एक बात कही थी। और इसमें एक और बात की थी, इसके बाद रेलवे बोर्ड का एक लेटर और था 2021 में, जिसमें बताया था स्कीम फॉर फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ लोको रनिंग सुपरवाइजर। इसमें कहा गया था कि ये सिंस द सिलेक्शन ऑफ टू द पोस्ट ऑफ CLI हैव बीन कैरेक्टरिस्टिक एज ऑफ जनरल सिलेक्शन, देयरफॉर रिलेटेड टू जनरल सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर प्रमोशन टू जनरल सिलेक्शन पोस्ट में बी फॉलोड इन केस ऑफ सिलेक्शन टू CLI। यानी CLI का भी जो सिलेक्शन है उसको जनरल सिलेक्शन बोल दिया था। तो इस प्रकार से जनरल सिलेक्शन बोलने के बाद ये काफी डाउट्स रेज हुए थे कि अब इसमें 30% मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसके ऊपर रेलवे बोर्ड ने क्लेरिफिकेशन अभी निकाला है, वो हम बात करेंगे यहाँ पर। ये लेटर निकाला 13 मई 2024 को, और इसमें इन्होंने कहा है कि द मैटर हैज बीन एग्जामिन इन बोर्ड ऑफिस एंड कंसर्न जोनल रेलवे एंड फेडरेशन हैव एडवाइज दैट द केस प्रमोशन अपॉइंटमेंट ऑफ रनिंग स्टाफ टू द पोस्ट ऑफ CLI थ्रू जनरल सिलेक्शन इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द केस ऑफ एम्प्लॉय। इसमें कहा गया है कि जो बाकी सिलेक्शन में जनरल सिलेक्शन होते हैं, वो जो रनिंग स्टाफ का जो CLI के थ्रू जो जनरल सिलेक्शन भरने का, ये पूरा डिफरेंट है, अलग तरह का मामला है। तो पोस्ट ऑफ चीफ लोको इंस्पेक्टर इज एक्सक्लूसिवली फिल्ड फ्रॉम द अमंग्स द रनिंग स्टाफ। जनरल सिलेक्शन, जैसे मैंने बताया कि जनरल सिलेक्शन जनरली सभी डिपार्टमेंट के लोगों को के लिए होता है, और चूंकि LI की जो पोस्ट होती है सिर्फ रनिंग स्टाफ के लिए होती है, फॉर विच स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग रिकॉर्डिंग ऑफ 30% पे एलिमेंट फॉर फिक्सेशन ऑफ पे ऑन प्रमोशन अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट सीधे ऑलरेडी स्टैंड इश्यूड वाइड पैरा 5 ऑफ बोर्ड लेटर एंड सेम शुड बी फॉलोड। इसमें कहा गया है कि चूंकि रनिंग स्टाफ से ही भरा जाता है CLI का पोस्ट, बाकी जनरल सिलेक्शन जो है इसमें सभी डिपार्टमेंट कहते हैं, ये सिर्फ रनिंग स्टाफ से जाता है, ये इसलिए ये जनरल सिलेक्शन बाकी से अलग है। इसलिए रेलवे बोर्ड ने एक लेटर निकाला था 2008/19, उसमें पैरा 5 के हिसाब से जो इंस्ट्रक्शन क्लियर दिए थे, ये देखो 108/2019, यहाँ पैरा 5 में लिखा हुआ है कि पे फिक्सेशन में वाइल फिक्सिंग अप द पे ऑफ रनिंग स्टाफ सिलेक्टेड एज LI, द बेनिफिट ऑफ 30% एड ऑन पेमेंट शेल कंटिन्यू टू बी प्रोवाइडेड एंड द पे फिक्स इन द नेक्स्ट हाई स्टेज एज पर बोर्ड लेटर भी। यानी कि इन्होंने कहा है कि 108/2009 में इन्होंने क्लियर किया था कि पे फिक्सेशन में 30% बेनिफिट मिलेगा और उसी को कंटिन्यू करना है। ये बड़ा ही रेलवे बोर्ड ने अच्छा लेटर निकाला है 2023 को। तो बीच में ये डाउट आ रहा था, क्योंकि जनरल सिलेक्शन है तो इसमें रनिंग स्टाफ को 30% पे एलिमेंट नहीं मिलेगा प्रमोशन पे, तो अब रेलवे बोर्ड ने क्लियरिफाई कर दिया है कि जो अब लास्ट के पैरा में कहा है कि जोनल रेलवे आर एडवाइज टू टेक नोट ऑफ द अबव इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग रिकॉर्डिंग ऑफ 30% पे एलिमेंट इन केस ऑफ रनिंग स्टाफ और फिक्सेशन ऑफ पे ऑन प्रमोशन अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ लाइन।
यानी अब ये क्लेफाई रेलेबोर्न ने 13 मई को कर दिया है कि कोई भी रनिंग स्टाफ जो होगा वो लोको इंस्पेक्टर चीफ लोको इंस्पेक्टर में सिलेक्शन होगा तो उसको पे एलिमेंट में 30% देना है। अब थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि जो वीडियो बना रहा हूँ तो फिक्सेशन कैसा होता है हम उस पर बात कर लेते हैं। ये मैंने एक छोटा सा बनाया फिक्सेशन के लिए। कोई कर्मचारी है जिसका नाम है एक्स वाई जेड, मान लीजिए उसका बेसिक 68,000 है, ये हम पे खोल लेते हैं इसके अंदर। ये मान लीजिए कोई रनिंग स्टाफ है, एलआई है, वो 68,000 में अगर वो है यहाँ पर, मान लीजिए उसका बेसिक पे जो है 68,000 है और वो सीएलआई में सेलेक्ट हो, ये आपका है एलआई रनिंग स्टाफ 6 में है और सीएलआई जो होते हैं वो लेवल 7 में होते हैं। और यहाँ से अगर उसका सिलेक्शन यहाँ हो रहा है तो उसका बेसिक जो 68,000 है, तो जो हमारा रूल है कि कोई भी आदमी का प्रमोशन जब होता है तो उसको इंक्रीमेंट मिलता है, तो उसको एक इंक्रीमेंट के लिए यहाँ जिसमें पुराना जो लेवल था लेवल 6 में ही नीचे जाया जाएगा लेवल 70,000। और नॉर्मली किसी और अगर अदर देन रनिंग स्टाफ का होता तो हम यहाँ से 70 में लेके जाते और यहाँ लेवल 7 में लेके जाते और 70 में ही अगर है तो 70 में मिल जाता, 70 से ज्यादा होता अगर नहीं होता 70 में तो अगला वाला हम दे देते नीचे वाला। तो ये अदर देन रनिंग का तो 70 से 70 to 70,000 करेंगे, लेकिन चूंकि रनिंग में 30% वाला पे एलिमेंट बाकी है तो 70 के बाद 70 का 30% हम निकालेंगे, वो हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। ये हमने 70,000 निकाला, जैसे 68 का हमने अगला स्लैब में लेके गए लेवल 7 में 70,000 और यहाँ इसका 30% निकाला 21,000। 21,000 है 7 से 21, 30% हो गया 21,000, दोनों को जोड़ लिए आपके 70,000 + 21,000 91,000 हुआ इसका बेसिक। ये 91,000 हम जाएंगे तो ये हम लेवल 7 में हम जाएंगे 91,000, तो 91,000 आपका ये 30% जोड़ के यहाँ आ जाएगा। 91,000 का नेक्स्ट क्या है आपका, ये अगला, ये अगर यहाँ 91,000 मिल जाता तो हम 91 देते इक्वल या नेक्स्ट मिलेगा जो भी, अगर इक्वल है जैसे यहाँ 70 to 70 मिला था, इक्वल है तो इक्वल मिलेगा, इक्वल नहीं है तो नेक्स्ट वाला मिलेगा। तो अगला इसमें आता है 91,400। ये फिर जो तो यहाँ अब फिक्सेशन जब करेंगे हम 30% जोड़ के, तो जो बंदे का जो पे चल रहा था 68,000 वो सीएलआई बनने के बाद उसका पे हो जाएगा 91,400 विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ रिजम्पशन ऑफ सीएलआई। सीएलआई में जिसे ज्वाइन करेगा वहां से उसका फिक्सेशन 91,400 हो जाएगा। ये छोटा सा पे फिक्सेशन समझाने की कोशिश की सीएलआई में। तो ये खुशखबरी यही थी कि पे एलिमेंट देने की क्लेरिफिकेशन रेलवे बोर्ड ने निकाला है। मेरे इस तरह क्लेरिफिकेशन बताने को काफी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, काफी पसंद कर रहे हैं, इस तरह छोटे वीडियो बनाए हैं। जो भी रेलवे बोर्ड का क्लेरिफिकेशन आता है मुझे समझाए, उसी के कनेक्शन में वीडियो बनाया। फिर भी प्लीज आप कमेंट करते रहें कि कैसा लग रहा है वीडियो है, और वीडियो अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।